गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग वर्ग 8 की कक्षा में पाठ 15 धर्म से बड़ा इंसान पढ़ेंगे। धर्म से बड़ा इंसान अवश्य होता है, ये वास्तविकता है। इसलिए कि जब आदमी की ज़िंदगी बचेगी, जब आदमी की जान रहेगी, तभी वो धर्म की रक्षा कर पाएगा। सबसे बड़ा उसका प्राण है। इस एकांकी के द्वारा यह संदेश दिया गया है कि धर्म जीवन जीने का एक माध्यम जरूर है, लेकिन धर्म कोई मनुष्य नहीं है। हम मनुष्यों में जीवित जरूर है धर्म, लेकिन मनुष्य नहीं है। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, कुछ मस्जिद में जाते हैं, कुछ गुरुद्वारा में जाते हैं, अलग अलग सबकी वेशभाषा है। लेकिन ईश्वर ने किसी को जाति और धर्म के बेड़ियों में बांध कर नहीं भेजा है, बल्कि ये बेड़ियाँ खुद हम बनाए हैं। इससे स्पष्ट है कि धर्म से बड़ा इंसान है, लेकिन आज धर्म को माध्यम बनाकर कुछ लोग समाज में हिंसा और घृणा के बीज बो रहे हैं। इस पाठ में वैसा ही बताया गया है। धर्म से बड़ा इंसान पाठ के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि लोग धर्म के नाम पर अपने प्राण तक गंवा दे रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं समाज में, देश को तबाह कर रहे हैं, और अपने इस आतंकवादी उग्रवादी मौके में अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं और सीधे साधे भोली भाली जनता को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। हमें ये समझना चाहिए, समझदार जनता को, समझदार व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हमें सबसे पहले हमारे लिए देश होता है, तभी दूसरी चीज़ें बाद में होती हैं। इस पाठ में रोशनी दीपक की पत्नी रहती है, दीपक उसका पति रहता है। इस पाठ में ये दर्शाया गया है कि दीपक का परिवार जो है त्रस्त है, आतंकवादियों से, धर्म के आडंबर करने वाले लोगों से त्रस्त है। दीपक बार बार जो है रोशनी को समझा रहा है कि सबसे पहले अपने प्राण की रक्षा करो, तभी धर्म की रक्षा हो सकेगी। रोशनी जो है अयोध्या जाती है अपना भगवान के दर्शन करने के लिए, क्योंकि अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ था, तो अयोध्या जाती है भगवान के दर्शन करने के लिए। तो उस पर दीपक बहुत समझाते हैं उसके पति कि भगवान तो सब जगह होते हैं, सिया राम में सब जग जानी, ये तुलसीदास ने भी कहा है कि भगवान सब जगह है। लेकिन रोशनी नहीं मानती है उनकी बात को, कहती है कि नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा है कि भगवान तो अयोध्या में ही हैं। असली भगवान के दर्शन करने के लिए ही वो गई थी अयोध्या में। लेकिन दीपक बार बार उनको समझा रहे हैं कि जब तक हमारी जान नहीं बचेंगे, हम जो है धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अंत में दीपक की पत्नी रोशनी ये बात मान जाती है। ऐसा ही होता है इस परिवार की त्रस्तता के बीच कि बाहर से हिंदू वाले लोग दौड़े हुए आते हैं कि मंदिर वही बनेगा, मंदिर वही बनेगा। दिनेश दौड़ करके आता है सभी दीपक के परिवार वाले को जो है, यानी दीपक, दिनेश उनका बेटा रहता है, दीपक उसके पिता रहते हैं, उसको सभी परिवार को जो है छिपने के लिए कहता है कि आप लोग छिप जाइए, जल्दी जल्दी जो है दिनेश का परिवार यानी दीपक का परिवार जल्दी जल्दी राम नाम से लिखा हुआ वस्त्र पहन लेते हैं, सब तिलक लगा लेते हैं, हिंदूवादी भेष धारण कर लेते हैं और हमारा मंदिर वही बनेगा का एक बोर्ड लगा लेते हैं, तीनों हवन कुंड में डालकर श्लोक का उच्चारण करने लगते हैं ताकि हिंदू लोगों से उनकी रक्षा हो सके। अगर हिंदूवादी वेश धारण नहीं करता दीपक के परिवार, तो हो सकता कि वे सभी मुस्लिम समझ कर के उन्हें मार डालते। फिर उसी तरह से दूसरी बार होता है कि मुस्लिम वाले लोग आते हैं कि हमारा मंदिर वही बनेगा और दीपक के परिवार को हिंदू समझ करके मारने की कोशिश करते हैं। तो फिर दोबारा क्या होता है कि दीपक का परिवार जो है मुस्लिम का वेश धारण कर लेता है, रितिका और रोशनी बुर्का पहन लेती हैं, मुस्लिम की जो औरतें पहनती हैं, मुस्लिम औरतें जो पहनती हैं, वो रितिका और रोशनी बुर्का पहन लेती हैं
दीपक दिनेश जो है मुस्लिम के टोपी पहन लेते हैं, सभी नमाज पढ़ने लगते हैं, अल्लाहु अकबर इस तरह की आवाज़ आने लगती है, ताकि दीपक का परिवार ये दिखाना चाहता है कि हम भी मुस्लिम हैं, हम भी अल्लाहु अकबर का उच्चारण करके मुस्लिम भेष धारण करके मुस्लिम बन जाते हैं बेचारे जान बचाने के लिए, और मुस्लिम वाले हिंदू का घर समझ करके दीपक के परिवार को मारने के लिए आते हैं। तो इस पाठ में ये नाटक के रूप में दीपक के परिवार की पत्नी रोशनी, दीपक का बेटा दिनेश और दीपक स्वयं, ये सारे अपने बचने के लिए अलग अलग भेष को धारण करते हैं। तो इस पाठ में यही देखा गया है कि धर्म का आडंबर ये कब तक चलता रहेगा। कभी हिंदू से बचने के लिए हिंदू भेष धारण करते हैं दीपक के परिवार, कभी मुस्लिमों से बचने के लिए मुस्लिम भेष धारण करते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। जहां धर्म के प्रति एक आँखों में श्रद्धा होनी चाहिए, वहां दीपक के परिवार की आँखों में डर बना हुआ है। तो आखिर इस पाठ में लेखक यही कह रहा है कि आखिर यह धर्म का आडंबर कब तक चलेगा। लोग धर्म का पालन करते नहीं हैं, बल्कि धर्म के पालन करने का आडंबर कर रहे हैं, धर्म को जो है माध्यम बना करके जो है कमाने का काम कर रहे हैं। लोग समाज में आतंक फैला रहे हैं। तो सबसे इस पाठ में यही अंत में बताया गया है, इस पाठ से यही निष्कर्ष निकल रहा है कि धर्म चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो या ईसाई का हो, ये सब बाहरी वेशभूषा हैं, ये केवल दिखावा हैं, आडंबर हैं। धर्म से बड़ा इंसान है, क्योंकि इंसान ही एक सच्चे और सुंदर समाज का निर्माण कर सकता है। इंसानियत ही सच्चे और सुंदर समाज का निर्माण कर सकती है। जब इंसान बचेगा तभी धर्म की रक्षा हो पाएगी। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि आतंकवादी लोग जो हैं, धर्म का आडंबर करने वाले उग्रवादी लोग जो हैं, सीधे साधे आदमी को उल्लू बनाकर भोली भाली जनता को मौत के मुंह में धकेलती है और अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं। किसी तरह से वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं, जनता के बीच में अशांति पैदा करना चाहते हैं। तो इन सबों से हमें बचना होगा और हमें आपस में मिलजुल करके जो है रहना होगा और धर्म की वास्तविकता को समझना होगा। इस पाठ में यही बताया गया है। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। थैंक यू।